आधी रात का समय था। अविनाश अपनी कार से लौट रहा था। अविनाश एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। उसने हाल ही में शहर में थोड़ी दूर एक कॉलोनी में घर लिया है, जहां आसपास कुछ ही घर हैं। अविनाश को घर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए वो हाईवे पर तेजी से कार चला रहा था। रास्ते में धुंध होने के कारण अविनाश बहुत कम दूरी तक ही देख पा रहा था। तभी अचानक उसकी कार से कोई टकराया। अविनाश घबरा गया, उसने ब्रेक लगाया और कार फिसलती हुई थोड़ी दूर पर जाकर रुक गई। अरे नहीं, ये आखिर था क्या जो मेरी कार से टकराया? कहीं वो कोई इंसान तो नहीं? मुझे जाकर देखना होगा। अविनाश डरा हुआ कार से नीचे उतरा और आसपास देखने लगा। अरे यहाँ तो बहुत अंधेरा है और ऊपर से धुंध, कुछ भी नहीं दिख रहा। जरूर कोई जानवर टकराया होगा। अरे नहीं, बहुत देर हो गई, मुझे ऐसे निकलना चाहिए। अविनाश अपनी कार स्टार्ट करके वहां से चला गया। फिर चार दिन बाद अविनाश ऑफिस से घर लौटा। रात के कुछ 11 बजे थे। वो अपनी कार पार्क करके घर की तरफ जाने लगा। तभी उसने देखा कि एक पड़ोस के घर में ऊपर के कमरे की खिड़की से एक लड़की उसे घूर रही थी। अविनाश भी उस लड़की को देखकर मुस्कुराया और घर के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उस लड़की की नजर अब भी अविनाश के दरवाजे की तरफ थी। रात के 1 बजे थे। अविनाश अपने कमरे में सो रहा था, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अविनाश उठा और दरवाजे की तरफ गया। उसने दरवाजा खोला तो बाहर एक लड़का खड़ा था। कौन हो तुम? हेलो सर, मेरा नाम धीरज है, मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ। एक्चुअली मेरे घर का लॉक खराब हो गया है, दरवाजा नहीं खुल रहा। क्या आप मुझे कोई टूल्स दे सकते हैं जिससे मैं उसे खोल सकूं, प्लीज सर? अविनाश को धीरज पर शक हुआ, लेकिन वो लड़की तो अंदर है ना? लड़की? कौन लड़की? वही जो ऊपर के कमरे में, मैंने थोड़ी देर पहले उसे देखा था। आप मजाक तो नहीं कर रहे? मेरा घर तो मैंने किराए पर लिया है और अकेले ही रहता हूँ मैं। उस वक्त अविनाश के मन में कई सवाल उठे, लेकिन उसने सब सवालों को नजरअंदाज कर दिया। अच्छा ठीक है, तुम यही रुको, मैं टूल्स लेकर आता हूं। अविनाश टूल्स लेने अंदर गया। जब वो टूल्स लेकर वापस आया तो उसने देखा कि धीरज वहां नहीं था। उसने बाहर निकलकर चारों तरफ देखा पर धीरज कहीं नजर नहीं आया। फिर अविनाश ने धीरज के घर की तरफ देखा, उसका दरवाजा बंद था। अविनाश को लगा कि धीरज अपने घर जा चुका है। अविनाश वापस अपने घर के अंदर जाने ही वाला था कि उसकी नजर ऊपर खिड़की पर गई। अविनाश ने देखा कि वो लड़की अब भी ऊपर कमरे की खिड़की से खड़ी उसे घूर रही है। अविनाश उसे देखकर सहम गया। तभी अचानक उस लड़की ने अविनाश की कार की तरफ इशारा किया और वहां से चली गई। अविनाश सच का पता लगाने धीरज के घर गया। उसके घर का दरवाजा बंद था। अविनाश ने बेल बजाई पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो वापस जा ही रहा था तभी कहीं से धीरज वहां आ गया। अविनाश धीरज को वहां देखकर चौंक गया। धीरज, तुम कहां चले गए थे? कोई लड़की तुम्हारे घर पर है, ऊपर वाले कमरे में। आप क्या बोल रहे हैं, अंदर कोई भी नहीं है, मेरा घर तो बाहर से बंद है। ठीक है, तो क्या मैं अंदर आकर देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। धीरज ने टूल्स लिए और दरवाजे को खोला। फिर दोनों अंदर गए। घर में बहुत गंदगी थी, जगह जगह धूल जमी हुई थी और मकड़ी के जाले लटक रहे थे। धीरज, यहाँ इतनी गंदगी क्यों है? ऐसा लग रहा है कि घर काफी दिनों से लॉक था। जी आपने सही कहा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर ही गया था, आज ही लौटा हूं। अच्छा, क्या आप मैं ऊपर जाके देख सकता हूं? हाँ आप देख सकते हैं, वहां कोई भी नहीं है। अविनाश ऊपर के कमरे की तरफ गया। उसने कमरे का दरवाजा खोला
तो देखा एक लड़की बेड पर बैठी हुई थी। अविनाश उसे देखकर घबरा गया। जी आप है कौन और धीरज के घर पर क्या कर रही हैं? मेरा नाम नताशा है, मैं धीरज की पत्नी हूँ। लेकिन धीरज ने तो कहा कि वो इस घर में अकेले ही रहता है। धीरज ने ये तुमसे कब कहा? अभी थोड़ी देर पहले, वो यहाँ नीचे ही है। तुम झूठ बोल रहे हो। जी क्या मतलब है आपका? धीरज की 4 दिन पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर अविनाश के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वो डरकर नीचे की तरफ भाग गया। अविनाश जब नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि धीरज वहां नहीं है। फिर अचानक हवाएं चलने लगी, सारे खिड़की दरवाजे अपने आप ही एक दूसरे से टकराने लगे और एक भयानक हंसी पूरे घर में गूंज उठी। अविनाश मौका पाकर बाहर की तरफ भाग गया। वो अपने घर में जाने ही वाला था कि उसका दरवाजा भी बंद हो गया। फिर अविनाश घबराया हुआ एक सुनसान रास्ते पर निकल गया। वो वहां से जा रहा था, वो एक सिद्ध तांत्रिक बाबा की कुटिया थी वहां, जिनकी शक्तियां और तंत्र विद्या के बारे में अविनाश ने बहुत सुना था। वो भागता हुआ तांत्रिक बाबा के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। फिक्र मत करो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे साथ आओ। अविनाश बाबा के साथ वापस धीरज के घर आया। बाबा ने धीरज की आत्मा को आवाज लगाई, कहाँ है तू? सामने आ, तू इस बालक के पीछे क्यों पड़ा है? सामने आ। बाबा यहां ऊपर के कमरे में धीरज की पत्नी है। बाबा विनाश को लेकर ऊपर के कमरे में गए। कमरे में जाते ही उन्होंने देखा कि धीरज की पत्नी भी वहां से गायब है। बाबा वो लड़की थोड़ी देर पहले यहीं थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। अविनाश जिसे तूने देखा था वो एक लड़की नहीं, उसकी आत्मा थी। तभी फिर से पूरे घर में भयानक हंसी की आवाज हुई। अचानक धीरज और नताशा की आत्माएं सामने आ गईं। क्यों परेशान कर रहे हो इसे? क्या बिगाड़ा इसने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है? याद है ना 4 दिन पहले क्या हुआ था? मैं अपने घर लौट रहा था, तभी अविनाश ने मुझे एक कार से टक्कर मार दी। मैं झाड़ियों में गिर पड़ा और मर गया। मेरी पत्नी इस सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। हमारी मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। नहीं, मेरा यकीन करो, मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं मारा, ये सब अनजाने में हो गया। बहुत कोहरा रहा था और रात का वक्त था, तुम अचानक से आ गए। हाँ मैंने कार से उतरकर पॉट ढूंढा, लेकिन धुंध होने के कारण तुम मुझे दिखे नहीं। मैं तो मदद करना ही चाह रहा था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भाई। देखो जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, इसमें अविनाश की कोई गलती नहीं है, छोड़ दो इसे। अविनाश ने बहुत माफी मांगी लेकिन आत्माओं के सिर पर खून सवार था। तभी धीरज ने अविनाश पर हमला कर दिया। वो अपनी शक्ति से अविनाश का गला दबाने लगा। अविनाश हवा में ऊपर उठने लगा, उसका दम घुट रहा था। ये देख तांत्रिक बाबा ने गंगा जल हाथ में लेकर अभिमंत्रित मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। ओम सिम होम क्रीम श्रीम चामुंडाए विजय, ओम सिम होम क्रीम क्रीम चामुंडाए विजय। बाबा को मंत्र पढ़ता देख नताशा की आत्मा गुस्से में आ गई और बाबा को मारने के लिए आगे बढ़ी। तभी बाबा ने वो पवित्र गंगा जल नताशा पर छिड़क दिया। नताशा तड़पने लगी। ये देख धीरज ने अविनाश को छोड़ दिया। तांत्रिक तुमने ठीक नहीं किया,
अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन हम वापस आएंगे, जरूर आएंगे। याद रखना, खून का बदला खून। दोनों आत्माएं वहां से चली गई। बाबा, लेकिन अगर आप नहीं रहे तो ये आत्माएं मुझे मार देगी। ये ताबीज पहन लो और परेशान मत हो, इसके रहते वो आत्मा तुम्हें छू भी नहीं सकती। बाबा ने अविनाश को वो ताबीज दिया और वहां से चले गए। अविनाश ने ताबीज पाकर बहुत राहत पाई, मगर उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक वैसे ही हुआ। कुछ दिन बाद अविनाश अपनी कार से ऑफिस के लिए निकला। वो बेफिक्र होकर स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था, तभी अचानक उसे याद आया कि उसने तो ताबीज ही नहीं पहना है। अविनाश घबरा गया। तभी उसका ध्यान कार के मिरर पर गया। उसकी कार की पिछली सीट पर धीरज बैठा हुआ था। वो बहुत डर गया। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक नहीं लगा। अविनाश की कार कंट्रोल से बाहर हो गई और सीधा जाकर एक पेड़ से जोर से टकराई। अविनाश की मौत हो गई, वो भी ठीक उसी जगह जहां धीरज की मौत हुई थी। जमींदार हरिहर सिंह की हवेली में बड़ी गहमा गहमी थी। पूरी हवेली रंगीन बल्बों की रोशनी से नहाई हुई थी। जमींदार की इकलौती बेटी पूनम की शादी थी। पूनम अपने कमरे में दुल्हन के जोड़े में सजी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बार बार शीशे में खुद को निहार रही थी। कितनी बार अपने आप को निहारोगी? इतनी सुंदर लग रही हो कि जीजा जी तो देखते रह जाएंगे। जैसे ही बैंड की आवाज सुनाई पड़ी, सभी सहेलियां बारात देखने जाने लगी। रुक जा, मैं भी चलूंगी। चुप कर, तू अपने गहने पहन, श्रृंगार पूरा कर, हम जरा देख के आते हैं कि बाराती कैसे हैं। कहीं शंकर जी जैसी बारात तो नहीं है? सारी सहेलियां और बहनें हंसती खिलखिलाती चली गई। जब सभी लोग उस कमरे में वापस आए तो देखा कि पूनम बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी थी। लग रहा था कि उसके पेट में किसी ने बड़ी बेरहमी से चाकुओं से वार किया था। पूरे घर में कोहराम मच गया। किसी को पता ही नहीं चला कि आखिर कैसे और क्यों हो गया। जमींदार हरिहर सिंह ने जैसे ही ये सुना, वो भागे हुए आए। आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। तो बस किसी को भी कुछ मालूम है क्या? या कोई आया, कोई नौकर, कोई अजनबी, कोई भी? नहीं, कोई नहीं आया था। वह तो बहुत खुश थी, बल्कि जब हम बारात देखने जा रहे थे तो वो भी जाना चाहती थी। बारात लौटा दो। जिस किसी ने भी ये किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। लगता है किसी से दुश्मनी रही होगी। अरे, उस बच्ची से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? अरे भाई, पुलिस आएगी, छानबीन करेगी, खुद ही मालूम पड़ जाएगा भाई। ये भगवान मेरी बिटिया की शादी बिना अड़चन के हो जाए। एक हफ्ते बाद ही चौधरी के घर उनकी बेटी सुधा की बारात आने वाली थी। चौधरी घर की सारी औरतों को सख्त हिदायत देते हुए, सुधा को कतई अकेली ना छोड़ जाए, समझी? सुधा तैयार होकर बैठी थी। सभी सहेलियां उसको छेड़ रही थी। जैसे ही बारात आई, उसकी बहन राधा को छोड़कर सब भागी। अचानक खिड़की के पल्ले जोर जोर से खड़खड़ाने लगे और दरवाजा भड़ाक की आवाज से खुल गया। राधा उसको बंद करने के लिए गई तो बाहर ही रह गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राधा की लाख कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। अंदर सुधा की चीख गूंजती रही, पर बैंड बाजे के शोर में दब गई। राधा नीचे की तरफ भागी। पिताजी, जल्दी चलिए, सुधा दीदी का कमरा अंदर से बंद हो गया और खुल नहीं रहा है। जब तक सब ऊपर आते, सुधा का शरीर जमीन पर पड़ा था। उसकी गर्दन से खून का फव्वारा बह रहा था। लगता है किसी धारदार चीज से उसकी गर्दन काटी गई है। पूरे गांव में दहशत फैल गई थी।
पुलिस आई। चौधरी, आपकी किसी से दुश्मनी तो नहीं थी? लड़की का कोई और चक्कर तो नहीं था? नहीं नहीं, ये शादी तो उसी की सहमति से हो रही थी भाई साहब। एक के बाद एक इस गांव में दो दो मर्डर हो गए, वो भी उस समय जब लड़की बिल्कुल दुल्हन बनी तैयार बैठी हो। कुछ अजीब चक्कर है। पुलिस अपनी कार्यवाही पूरी करके चली गई। लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाई गई। एक महीने बाद सरपंच दीनदयाल की छोटी बेटी तारा की शादी थी। ऐसा सख्त पैरा बैठाऊंगा कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। तारा के सिर पर जैसे ही लाल ओढ़नी डाली गई, तुरंत पूरे घर की लाइट चली गई। एकदम से हड़कंप मच गया। जब तक लालटेन और टॉर्च लेकर लोग आते, तारा की पीठ में छुरा मारकर वो जा चुका था। मासूम तारा की आंखें पथरा गई थी और निर्जीव शरीर एक तरफ लुढ़क गया था। ये जरूर किसी एक आदमी का काम है। कौन है जो हमारी बच्चियों को इतनी निर्दयता से मार रहा है? उस गांव में अब कोई शादी नहीं होती है। सब लोग आपस में सलाह मशवरा करते हैं। मेरी मानिए, तो अब जो भी शादी होनी है वो गांव के दुर्गा मंदिर में होगी। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। रामलखन यादव की बेटी कंचन की शादी गांव के दुर्गा मंदिर में होनी तय हुई। सारी तैयारियां हो गई, शादी हो गई। विदा के बाद जब दुल्हन को मंदिर के बाहर ले जाकर गाड़ी में बिठाया गया, तो सभी लोग थोड़ी देर के लिए दूसरे कामों में व्यस्त हो गए। तब तक हवा में एक चीख गूंजी और कंचन का शरीर गाड़ी की सीट पर ही लुढ़क गया था। इस बार चाकू उसके सीने में मारा गया था। ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये किसी शैतान की हरकत है। तभी तो मंदिर के भीतर कुछ भी नहीं हुआ। उसी समय एक भयानक अट्टाहस आवाज गूंजी। हाँ, मैं शैतान हूँ। अभी जब तक सारे गांव की बेटियों का खून नहीं कर दूंगी, मेरी प्यास नहीं बुझेगी। सब लोग डर के ऊपर देखने लगते हैं। पेड़ पर एक चुड़ैल लाल जोड़े में सजी धजी बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तुम्हारा? क्यों मार दिया तुमने उसको? मैं भी अपने बाप की लाडली थी। सब मुझे चंपा कहते थे, क्योंकि माँ कहती थी तेरा रंग बिल्कुल चप्पा ही है, इसीलिए तेरी दादी ने यही नाम रखा है। बड़े अरमानों से मेरे बापू ने मेरा ब्याह करना चाहा था, पर तुम सबने मेरी शादी के ही दिन मुझे मेरे गांव से उठवा लिया और मेरे साथ जबरदस्ती भी की। फिर मेरी बोटी बोटी करके अपने गांव की उत्तर दिशा वाले कुएं में डाल दिया, जहां कोई जाता ही नहीं था। भूल गए? मैंने कुछ भी नहीं किया था, काली गाड़ी चला रहा था। वो तो चुप हो जाओ, गुनहगार का साथ देना भी गुनाह है। तुम्हारी बेटी की तो सिर्फ मैंने जान ही ली है, अब क्यों रो रहे हो? उस बात को तो 2 साल हो गए, अब मैं माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। सभी गुनहगार, चौधरी, सरपंच और जमींदार हरिहर खड़े खड़े थर थर कांप रहे थे। अचानक वो पेड़ से कूदी और जमींदार की तरफ लपकी। तू सबसे बड़ा पापी है। तूने सबके साथ मिलकर मेरी जिंदगी तबाह की और मुझे बोटी बोटी काट डाला। पुलिस को भी पैसा गिलाकर सारा मामला रफा दफा करवा दिया। वो जमींदार को गिराकर उसके सीने पर सवार हो गई
और अपनी दांतों को उसकी खोपड़ी में थसाकर खून पीने लगी। वो थोड़ी देर छटपटाया, फिर उसका शरीर एक तरफ लुढ़क गया। मुझे माफ करना। हाँ हाँ, तूने ही तो सबसे पहले मेरे अरमानों का गला घोटा था। जब मैं गिड़गिड़ाई थी तो तू ठहाके लगा रहा था, ठहर जा। सरपंच को ठोकर लगी, वो गिर पड़ा और चुड़ैल उसकी पीठ पर दांत हंसाकर उसका खून पी गई। उसका ये भयानक रूप देखकर सभी लोग डर के मारे स्तब्ध हो गए। अब वो चौधरी की ओर घूम आई। मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूं। हाँ हाँ, दोषी तो मैं थी जो तुझसे अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। उसने उसकी गर्दन पकड़ ली और एक ही झटके में मरोड़ दी। चौधरी ने भी अंतिम सांस ली। मुझे बता, देखो मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने तो लोगों के कहने पर सिर्फ तुम्हें अगवा किया था। मेरे कमरे में से मुझे तू ही उठाकर लाया था ना, मेरी माँ कितना रोई थी। तूने अपने जूते की नोक से मेरी माँ के मुंह पे ही दे मारा था। तुझे तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी। मेरे बापू और मेरी माँ ने इसी दुख में अपनी जान दे दी थी। उसने उसकी दोनों टांगे पकड़कर चीर दी। गांव वालों, आज से याद रखना, किसी भी बहू बेटियों पर बुरी नजर डाली तो उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। यह कहकर वो सिसकियां लेने लगी। अब तो तुम्हारा बदला पूरा हो गया ना, हमें माफ कर दो, अब तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। अगर तुम अपनी बेटियों की सलामती चाहते हो, शादी में कभी लाल जोड़ा मत पहनाना, उसको देखते ही मेरा खून खोल जाता है। ठीक है ठीक है। गांव में हर लड़की की शादी के पहले उस उत्तर दिशा वाले कुएं पर लड़की को लाकर उसमें झांकने को बोलना। ठीक है ठीक है। अब मैं चलती हूँ। बूढ़ी अम्मा, तुमने ठीक पहचाना था, मैं शैतान ही बन गई हूँ। मेरी आत्मा कब तक भटकती रहेगी मुझे खुद नहीं पता। अब तुम्हारे गांव के सारे पापी चले गए हैं, सब लोग चले जाओ। इस गांव में ऐसे ऐसे जल्लाद बैठे थे, कोई नहीं जानता था। गांव वाले वापस आ गए। अब जब भी उस गांव में किसी की शादी होती है तो लड़की लाल जोड़ा नहीं पहनती, शादी से पहले कुएं पर जाकर उसमें झांकती है और अपने विवाहित जीवन के लिए आशीर्वाद मांगती है। वो चुड़ैल उस गांव में कभी नहीं दिखाई दी। उसका बदला पूरा हो गया था। सालों पुरानी बात है, घने जंगल से ही लगा हुआ एक गांव था। यूं तो गांव काफी खुशनुमा और हरा भरा था, लेकिन खतरनाक जंगली जानवरों की वजह से गांव के आसपास बाड़ लगा दी गई थी। गांव में हर साल की तरह इस बार भी मेला लगा था और हर बार की तरह लोग काफी खुश थे। लेकिन एक घटना गांव के लोगों के लिए नई थी और अजीब भी। मेले में बहुत ही आकर्षक लड़की आई। गांव के युवक तो मानो उसके सौंदर्य में सम्मोहित हो गए। कुछ देर मेले में घूमने के बाद वो लड़की जंगल की ओर चली गई और घने जंगल में कहीं खो गई। यह घटना अब अक्सर होने लगी। वो लड़की गांव में आती और फिर जंगल में कहीं गुम हो जाती, लेकिन इसके साथ ही हर बार गांव का कोई ना कोई जवान आदमी गायब हो जाता। गांव वाले सोचते कि जंगल के जानवर इस इंसान को खा गए होंगे। वो लड़की 10-15 दिनों में एक बार गांव में आती और सारे लड़कों पर अपना सम्मोहन छोड़ जाती। फिर काफी दिनों तक वो लड़की गांव में नहीं आई और गांव के युवकों का तो मानो इंतजार से बुरा हाल था। फिर एक दिन अचानक गांव में महामारी फैल गई। धीरे धीरे कई लोग मरने लगे। इसी बीच वो सुंदर लड़की फिर से गांव में आई और गांव वालों की सेवा करने लगी। राहुल नाम का एक युवक जिस लड़की को काफी समय से देख रहा था, उसने निश्चय किया कि शादी करेगा तो इसी लड़की से। और फिर जब वो लड़की जंगल की ओर जाने लगी तो राहुल भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। लड़की ने राहुल को अपने पीछे आते हुए देख उससे कहा, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो?
मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन अभी इस वक्त तुम्हारा यहाँ रहना खतरनाक है। यहाँ एक बहुत भयानक चीता है जो तुम्हें मारकर खा जाएगा। मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। देखो, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देती हूँ, चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। लेकिन अब लड़की का बर्ताव बदल रहा था, या यूं कहूं डरावना हो रहा था। तू नहीं मानेगा, शायद मौत के बाद मानेगा। राहुल अपनी आंखों के सामने ऐसा भयंकर मंजर पहली बार देख रहा था। लड़की पूरी तरह से आदमखोर चीते में बदल चुकी थी। लड़के ने डर के मारे भागना शुरू किया और बिजली की फुर्ती से गांव की ओर भागा। जैसे तैसे वो घर पहुंचा। हे भगवान, काश ये सब ना हो। अगले कई दिनों तक राहुल सदमे में रहा और गांव वालों को पूरी आपबीती बताई, लेकिन किसी भी गांव वाले ने राहुल का यकीन नहीं किया। कई दिन बीत गए, राहुल को लगा कि उस लड़की का पीछा छूट गया। लेकिन एक दिन राहुल का दोस्त उसके घर आया। भाई, वो जंगल वाली लड़की गांव में आई है और तुम्हारा पता पूछ रही है। भाई बोल दे, मैं नहीं हूं। तभी अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। इस दस्तक से राहुल कांप उठा, लेकिन इतने में उसके दोस्त ने दरवाजा खोल दिया। मैं आपका इंतजार करती रही, आप नहीं आए तो मैं आ गई। अब मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं तुमसे शादीवादी नहीं करना चाहता। अरे बाबूगा, अब कौनू बहाना नहीं चलिए, छोड़ो सरमाई बो। सभी गांव वालों ने मिलकर दोनों का विवाह करा दिया। अब तो लड़की राहुल के घर में ही रहने लगी और हर रात चीता चुड़ैल बनकर गांव वालों का शिकार करने लगी। अपने शिकार को वो राहुल के घर के पीछे घसीट लाती। कुछ दिनों में घर के पीछे मरे हुए लोगों के कई कपड़े इकट्ठे हो गए। अगर इस बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हारा हश्र भी यही होगा। क्या करूं, समझ में नहीं आता कैसे समस्या से बाहर निकलूं। हर दिन गांव में किसी ना किसी की मौत का मातम। राहुल की परेशानी बढ़ती जा रही थी। तभी पास के गांव से उससे मिलने उसकी बहन आई। उसने उसकी हालत देख कहा, भैया क्या हाल बना रखा है, क्या हुआ? भाभी ख्याल तो रखती है ना? सब ठीक है। और ये घर के पीछे इतने सारे कपड़े और यहाँ खून भी है। इस सब की जिम्मेदार वो लड़की है जो मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ रह रही है। वो एक चीता चुड़ैल है, कई गांव वालों को खा चुकी है, ना जाने आगे क्या होगा। राहुल सारी बात अपनी बहन को बता देता है। वो अपने भाई की बात पर विश्वास करती है और तुम अपना ख्याल रखना भैया, मैं जल्द इस समस्या का उपाय ढूंढती हूँ। इस भयानक समस्या को सुलझाने के लिए राहुल की बहन वहां से निकल गई। घर आकर उसने सारी बात अपने पति को बताई। ये समस्या कोई छोटी नहीं है, मैं एक तांत्रिक को जानता हूं, वो हमारी मदद करेगा। वे जल्दी उस तांत्रिक के पास पहुंच गए। कहो, क्या समस्या है? मेरा भाई एक चीता चुड़ैल के चंगुल में फंसा हुआ है। चीता चुड़ैल? ये कोई आम घटना नहीं। जब कोई कुंवारी लड़की चीते को मरते वक्त देख लेती है तो चीते की आत्मा उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर जाना बहुत ही खतरनाक रूप इख्तियार कर लेता है। रात में इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो फिर मेरे भाई की जान? एक उपाय है, जिस रात आसमान में चांद नहीं होगा उस रात चीता चुड़ैल के दोनों आंखों के ठीक बीचों बीच मार करना होगा। मैं करूंगा ये काम,
मैं एक तीर से उस चीते को खत्म कर दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर निशाना चूका तो तबाही है, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। पूरी योजना साफ थी, गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन इंतजार था तो उस रात का जब चांद ना निकले। ये मौका था ठीक दो दिन बाद, अमावस्या की रात। राहुल की बहन और उसका पति तांत्रिक को साथ में लेकर शाम को ही राहुल के घर चले गए। गांव के सब लोग भी वहां आ गए और रात होते होते तांत्रिक ने अपना पूरा तंत्र शुरू कर दिया। जैसे ही रात काली हो रही थी, तांत्रिक के मंत्र और गहरे होते गए और फिर कुछ देर बाद सभी गांव वाले उस भयानक चीते को देखकर बहुत डर गए। वहीं दूसरी ओर राहुल के जीजा जी ने धनुष से तीर छोड़ा, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी राहुल, इन लोगों को नहीं लाना चाहिए था। अब इस गलती की सजा पूरा गांव भुगतेगा। ये कहते हुए वो चीता चुड़ैल राहुल को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगी, और जैसे ही वो राहुल पर झपटी, राहुल ने अपनी जेब से चाकू निकालकर चीता चुड़ैल की आंखों के ठीक बीचों बीच मार दिया। चाकू एकदम ठीक जगह पर लगा, चीता चुड़ैल गिर पड़ी और एक चमत्कार हुआ। मैं कमली हूँ, रोनपुर गांव के मुखिया की बेटी। एक दिन जंगल में लकड़ियां लाने गई थी, तभी वहाँ एक चीता। उस लड़की ने पूरी घटना गांव वालों को बताई। गांव वालों ने रोनपुर गांव के मुखिया को बुलाया और सारी बात बताई। मुखिया अपनी बेटी को इतने समय बाद देखकर बहुत खुश हुआ। फिर राहुल और कमली की धूमधाम से दोबारा शादी कराई गई। कमली अब शराब मुक्त हो चुकी थी और अपने पति यानी कि राहुल के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अब गांव वाले उस चुड़ैल से सुरक्षित हैं।